सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे राउरकेला में। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा ब्यूटिफिकेशन के लिए काफी सारे काम चल रहे हैं, एंड मुझे काफी सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी है, यही आया था कि मैम प्लीज डीएवी पॉन्ड का वीडियो बनाओ। तो एक्चुअली ना यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली काम कंस्ट्रक्शन में चल रहा है तो लोग कैसे परमिशन देंगे। मैं बहुत मुश्किल से परमिशन लेके जस्ट आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है ना। तो कितना क्या काम हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, एंड दिखा भी दूंगी डिटेल्स में क्या है क्या नहीं। बहुत ही प्यारा बनने वाला है, एंड आफ्टर जब ये मतलब जब इनॉग्रेशन हो जाएगा ना, डेफिनेटली तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोग घूम के बहुत ही मजा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा राउरकेला का बोटिंग के लिए भी बनाया जा रहा है। सो आई गेस आज के ब्लॉग में बने रही है। सो गाइज, ये देख लीजिए उसका एंट्रेंस, ठीक है ना। जस्ट बसंती कॉलोनी का ये जो रोड है, उसके जो नीचे ब्रिज है वहाँ से आप लोग आएंगे तो ये एंट्रेंस। फिर जैसे आप लोग एंटर करेंगे ये रहा वो बहुत प्यारा सा पॉन्ड, बहुत बड़ा एरिया। लाइक आप लोगों को मैं थोड़ा सा पास जा करके दिखाती हूँ, लाइक बहुत बड़ा एरिया कवरेज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ बोटिंग। आप लोग ये देख लो पूरा, एंड ओवरऑल लैवेंडर कलर का एक बिल्डिंग, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। या तो ये पूरा मतलब दीवार में बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स बनाए गए हैं। ये थोड़ा सा भी मतलब गंदा है, इसको प्रॉपर साफ किया जाएगा बाद में। बहुत ह्यूज एरिया कवर हुआ है। तो चलिए हम लोग उधर चलते हैं एंड देखते हैं कि उधर क्या क्या है, एंड क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड कितना क्या काम हुआ है। एंड गाइस, यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सा गार्डन बनाया जा रहा है। और ये देख लीजिए यहाँ पे एंट्रेंस, जैसे आप लोग अंदर जाओगे सर टिकट विकेट करना पड़ेगा बोटिंग के लिए, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि ओपन नहीं हुआ है। एंड ये देख लीजिए बहुत ही प्यारे प्यारे सीनरी बनाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला जो देख रहे हैं ना। सो गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लाइक लिटरली राउरकेला का जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है ना, मानना पड़ेगा काफी सुंदर है। एंड ये जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा ना, बहुत प्यारा लगेगा, लाइक बहुत सुकून लगेगा। आप लोग इवनिंग में आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सबसे मेन थिंग मतलब बहुत बड़ा प्लेस है, लाइक आफ्टर IG पार्क यही एक प्लेस है जहाँ पे आप लोग बोटिंग कर सकते हो। इनफैक्ट राउरकेला में अभी दो स्टेडियम और एक पार्क सब कुछ रिनोवेट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो सब कुछ ब्लॉग करके दिखाऊंगी। एंड आप लोग प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कौन सा ब्लॉग देखना है करना है। तो चलिए थोड़ा भी व्यू एंजॉय करते हैं। एंड गाइस, आप लोगों को ये पूरा दिख रहा है कितना ह्यूज है। लाइक आप लोग यहां से उतरेंगे तो यहीं से पानी स्टार्ट हो गया, तो बी सेफ, ठीक है ना, उतरना सेफ नहीं है। पूरा ये देखो पूरा एरिया, लाइक ऐसा लग रहा है कि आसमान और पानी मिल चुके हैं दोनों, लाइक बहुत बड़ा प्लेस है। और फिर उधर भी बहुत प्यारा प्यारा डेकोरेशन हो रखा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये वाला जो लोकेशन है, अगर आप लोग बाद में कभी आते हो, बाद में फोटोग्राफी वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं आगे और क्या क्या है, क्या क्या डेकोरेट हो रखा है। एंड गाइज, अगर आप लोग इस तरफ आओगे तो इधर शायद बोटिंग के लिए है प्लेस, एंड इधर आप जा सकते हैं। और इधर भी पार्क टाइप का बनाया गया है बच्चों के लिए, ऑलरेडी काम चल रहा है, बहुत प्यारे प्यारे डेकोरेशन हो रखे हैं। यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, बैठने के लिए भी जगह। ओ वाह, सो ब्यूटीफुल लैवेंडर फ्लावर्स गाइज, ये देख लो बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है। यहाँ पे मजा आ गया, देखिए ये भी काफी सिनेमेटिक लग रहा है, लाइक यहाँ पे भी आप लोग फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा सिनेमेटिक व्यू हो जाए। एंड गाइस, यहाँ पे भी बहुत ही प्यारे प्यारे कलर का, येलो कलर का फ्लावर और ये रेड कलर का फ्लावर। इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में पुटुस फूलो बोलते हैं, बट पता नहीं आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। एंड ये एक एरिया है, ठीक है ना, तो अंदर भी उधर भी चलेंगे। और फिर ये देख लो, ये बहुत ही प्यारा बनाया गया, लाइक सीरियसली ब्रो क्या काम हुआ है। एंड अगेन वहाँ पर लैवेंडर कलर का पेंट किया गया है। तो चलिए हम लोग पहले इधर चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं व्यू कैसा आ रहा है। सो गाइज, ये देख लो यहाँ पे ऐसा लगाया गया है, आप लोग आके थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। वहाँ पे कुछ लोग रील वगैरह बना रहे हैं। एंड द व्यू मतलब इतना बड़ा एरिया बनाया गया, लाइक लिटरली यहाँ से पूरा स्टार्ट होके पूरा इधर से होके पूरा एंडिंग, लाइक बहुत बड़ा ह्यूज एरिया कवर अप हुआ है। एंड फिर हम लोग चलते हैं इधर यहाँ पे, और बहुत शायद आई गेस फूड कोर्ट वगैरह भी ओपन होने वाला है, क्योंकि ये सब जो घर वगैरह बनाया गया मुझे तो लगता है, शायद मैं श्योर नहीं हूँ शायद, क्योंकि यहाँ पे
गार्डन तो बहुत प्यारा प्यारा है, लाइक आप लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं व्यू, एंड स्पेशली इवनिंग में जब आओगे ना, ओ भाई अभी भी देख लो स्काई कितना प्रिटी लग रहा है, एंड इवनिंग में जब आओगे ना बहुत ही प्यारा व्यू रहेगा। एंड आफ्टर ओपनिंग प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना दैट कि मैं आप लोगों के लिए आके अगेन वीडियो बना पाऊँ। एंड हाँ, मुझे तो अभी लग रहा है कि लाइक ये बहुत बड़ा एरिया कवर अप हुआ है, लाइक फॉर बोटिंग पर्पज वन, सेकेंड यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा सा ग्राउंड खेलने के लिए यहाँ पे बैठ के आप सीन व्यू कर सकते हो, एंड यहाँ पे कुछ कुछ आई गेस फूड वगैरह कुछ मिलेगा दैट के आप लोग थोड़ा स्नैकिंग वगैरह कर पाओ। मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, लाइक अभी से इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो जब ये हो जाएगा इनॉग्रेट तब कितना अच्छा लगेगा। एंड गाइस अगर इस तरह पाएंगे तो आप लोग यहाँ पे लाइक थोड़ा सा वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत प्यारे प्यारे प्लांट लगाया गया है, एंड ये वॉकिंग के लिए प्लेस है सब, ये देख लो। एंड ये देख लो यार कितना प्यारा डिज़ाइन हो रखा है, मतलब बहुत प्यारे कलर्स है जो भी किया है ना, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स किया है। और फिर हम लोग उधर बाद में जाएंगे तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो जो एक बैठने के लिए बनाया गया है तो वहाँ पे चलते हैं पहले। लाइक गाइज मुझे ऑनेस्टली बताऊँ ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा बनाया गया है, लाइक लिटरली मतलब पहले का जो हमारा जो राउकला का जो DAV पॉन्ड था ना वो कैसा था, एंड राउकला ब्यूटिफिकेशन के लिए कितना खूबसूरत बन गया, आई कांट बिलीव दो, बहुत प्यारा बन गया है। तो यार ब्लॉग में बने रहिए एंड व्यूज़ को एंजॉय करते रहिए। एंड गाइज ये रहा वो व्यू, ठीक है ना, ये देख लो, ये एक प्लेस बनाया गया है बैठने के लिए जो कि काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे आई गेस कुछ लाइक क्या बताओ, लाइक कुछ अगर फंक्शन वगैरह होगा तो आप लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो, बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी प्यारा। एंड गाइज ये देख लीजिए यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा प्यारा लोकेशन है, एंड जैसे कि मैं बताई थी ये सब स्नैकिंग के लिए ओपन होने वाला है, और ये जब नाइट में व्यू चलेगा ना ये सब लाइट लगाया गया काफ़ी प्यारा लगने वाला है, ठीक है ना। तो बस वो सब तो मैं दिखा दे, लाइक वहाँ पे पॉन्ड है, यहाँ पे स्नैकिंग के लिए ओपन हो रहा जो कि काफ़ी कलरफुल है, वहाँ पे बैठने के लिए अगेन दूर से थोड़ा सा व्यूज़ देख लो। और फिर यहाँ पे भी मतलब बहुत प्यारे प्यारे वॉल्स पेंट किया गया है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एंड गाइस ये देख लीजिए यहाँ पे भी बन रहा, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन चालू है, ये सब फूड कोर्ट ओपन होगा, यहाँ पे बैठने के लिए है, बच्चों लोगों के लिए पार्क टाइप का बन रहा है खेलने के लिए, ये रहा पूरा डिटेल्स व्यू। एंड गाइस ये देख लीजिए ये रहा पूरा, बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है, बहुत ही प्यारा व्यूज आ रहा, नहीं ये देख लो। सो गाइज ये तो था डिटेल अबाउट DAV पॉन्ड का ब्लॉग, ठीक है ना, मैं से जितना हो पाया पॉसिबल मैं आप लोगों को डिटेल में शेयर कर दी। एंड ये बस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इतना मजा नहीं आ रहा है, जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए और एक बार रिव्यू वीडियो बनाऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली डिसंबर तक ये ओपन हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है, काफ़ी प्यारा लगने वाला है, नाइट में आप लोग आओगे तो और भी अच्छा लगेगा, डे में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक बार ओपन हो जाए मैं आप लोग अपडेट दे देना, मैं ब्लॉग बना लूँगी। सो चले गाइज आज के ब्लॉग कहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।